एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो पीछे का जो बैकग्राउंड है वो देख के आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग अभी बाहर आए हैं, और हम लोग आए हैं त्रंबकेश्वर के पास, बहिने बोल के एक जगह है, वहां पे आए हैं। और वहां पे बारिश के टाइम में ऐसे ही सीनरी रहता है, सब जगह माउंटेन पूरा ग्रीन होता है। यहाँ पे हम लोग आए हैं, थोड़ा सा घूमेंगे, चलिए फिर घूमने चलते हैं। के तो हम लोग अभी निकल चुके हैं ये जगह एक्सप्लोर करने के लिए, और यहाँ पास में थोड़ा सा पानी है तो वहां पे जाते हैं, फिर देखते हैं क्या है वहां पे। हम लोग यहाँ पे एक प्लेन वैली मिला है हमें, तो हम लोग वहां जा रहे हैं। आपने तो वहां पे देखा हमने कैसे क्रॉस किया, वहां पे पानी आ रहा था, थोड़ा स्लिपरी भी था, तो वो क्रॉस करके आगे आए और फिर वो वैली के पास अभी जा रहे हैं। अभी तो रोड बेटर हो गया, नहीं तो वहां पे तो पानी जा रहा था, पत्थर थे, एकदम स्लिपरी थे, बहुत ही केयरफुली जाना पड़ रहा था। रुद्र और उनके फ्रेंड्स थोड़ा नीचे गए, एक ब्रिज था वहां गए और हम लोग ऊपर रुक गए। ये आहान है रुद्र के फ्रेंड के बेटे, तो हम लोग सब एक साथ आए हैं। मिठी कुछ ड्राइंग बुक्स लेके आई है, तो आहान और मिठी अभी दोनों मिलके कलर करेंगे और थोड़ा सा चिप्स भी खाएंगे ना। चिप्स खाना है क्या? यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं ऐसे एंजॉय करने के लिए, और सैटरडे संडे तो बहुत भीड़ रहता है, छुट्टी रहता है, तो सब लोग इसी एरिया में आते हैं मोस्टली, क्योंकि बारिश के टाइम में ये जगह बहुत खूबसूरत हो जाता है। आज तो पता नहीं, आज तो बारिश नहीं है, लेकिन जनरली इस एरिया में बहुत बारिश होता है। थोड़े टाइम के बाद रुद्र और उनके फ्रेंड्स भी आ गए और हमने डिसाइड किया कि थोड़ा नीचे जाएंगे पानी के पास। जैसे ही हम लोग नीचे उतर रहे थे, रुद्र को एक सांप दिखा और हम लोग फिर डर के वापस आ गए। अभी हम लोग रिटर्न कर रहे हैं क्योंकि शाम हो रहा है और बारिश भी आ रहा है। लोग निकल रहे हैं, शाम भी हो रहा है, बारिश भी आ रहा है, जाएंगे। यहाँ पे तो बहुत सारा जगह है जो खाना बना के देते हैं, कहीं पे एक ढूंढेंगे और वहां ही दे देंगे खाना, वो बना के फिर हमें देंगे।
खाने का ये है कि हम लोग अभी चिकन और मटन दोनों लेके आए हैं। गाँव है, बहुत सारे लोग ऐसे बना के देते हैं आपके लिए, आपको जैसा चाहिए, आपको ग्रेवी वाला चाहिए, सूखा वाला चाहिए, जैसे भी चाहिए आप उनको दे देंगे, चिकन और मटन जो भी आप लेके आओ वो बना देंगे। और वेज जो है वो भी बना देते हैं, आपको पनीर अगर चाहिए तो वो पनीर आप लेके आओ, उनको दे दो तो वो बना देते हैं। एंड कुछ चार्जेस लेते हैं वो मैं वहां पूछ के ही आपको बताऊंगी। एक अच्छा जगह दिखा यहाँ पे हमें, तो हम लोग यहीं पे ही उतर रहे हैं और डिनर यहीं पे करेंगे। यहाँ पे जो पीछे दिख रहा है ऐसे बहुत सारा घर है जो खाना बना के देते हैं, और इनका जो प्रिपरेशन स्टाइल है वो एकदम लोकल स्टाइल है, महाराष्ट्रियन स्टाइल में वो बनाते हैं और बहुत ही टेस्टी होता है। बहुत जगह से लोग आते हैं यहाँ पे खाने के लिए। ये हमारा डिनर मटन करी, भाकरी और राइस भी आ गया। डिनर करके तुरंत ही हम निकले और ये वीडियो का एंड पार्ट जो है वो मैंने कल शूट किया। कल हम लोग पहिने गए थे और ये नासिक से अराउंड 30 किलोमीटर से जो त्र्यंबकेश्वर है उससे जस्ट पहले आता है। इसका जो डायरेक्शन है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगी। तो वहाँ पे बहुत सारा गांव है जिसमें बहुत सारे घर है जो आपको एकदम महाराष्ट्रियन ऑथेंटिक स्टाइल में बना के देते हैं। सो इसके प्रिपरेशन चार्जेस मैं बता देती हूँ। आप चिकन 1 किलो और या फिर मटन 1 किलो जो भी हो इसके लिए वो 300 पर केजी लेते हैं, और पनीर का जो सब्जी बना है उसके लिए वो 100 रुपीज लेते हैं, और चावल एंड भाकरी वो 80 रुपीज में अनलिमिटेड है। प्राइस एकदम चीप है और एकदम ऑथेंटिक विलेज स्टाइल में वो बना के देते हैं, और वो अच्छा भी लगता है। अगर आपको थोड़ा सा ऑफ रोड जाना है, पानी को टच करना, तो प्रॉपर शूज, स्पोर्ट्स शूज जो होता है वो पहन के जाइए, जिसका ग्रीप अच्छा हो वैसे शूज पहन के जाइए। और अगर छोटे बच्चे जाते हैं तो उनके लिए आप रेनकोट या फिर अम्ब्रेला, अपने लिए भी एक अम्ब्रेला लेके जाइए, क्योंकि वहां पे हरदम बारिश होता रहता है। और थोड़ा सा सेफ्टी रखे, आसपास देखे, क्योंकि वहां पे सांप वगैरह बहुत है। हमारे साथ भी यही एक एक्सपीरियंस मैं शेयर करती हूँ। हम लोग अंदर जा रहे थे पानी को टच करने के लिए, फिर अचानक से देखा कि पत्थर के अंदर एक स्नेक था। गुरुद्र ने देखा और जोर से आवाज किया, सो दैट हम लोग फिर आगे नहीं गए और तुरंत ही आ गए। तो जहाँ पे ज्यादा लोग हैं या फिर गांव के लोग घर बनाए हैं तो उसी एरिया में थोड़ा सा जाइए, ज्यादा ऑफ रोड मत जाइए। तो यही सारे टिप्स के साथ मैं ये ब्लॉग को यहीं पे खत्म करती हूँ। आपको कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और कमेंट कीजिए। मॉनसून का सीजन है तो ऐसे रेन के ऊपर बहुत सारे ब्लॉग्स आएंगे। तो टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ गुड डे और गुड नाइट।